ने जनहित याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। याचिका में बीफ बैन के फैसले को बताया गया एक तरफा, महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था बैन। दिल्ली में द्वारका में दूध कंपनी के कैशियर को गोली मारी, अस्पताल में मौत। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, कंपनी से कैश लेकर निकला था सोनू राणा। दिल्ली और एनसीआर में खुली जगह पर कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, एनजीटी ने आदेश दिया। एनसीआर में पत्ते प्लास्टिक रबड़ जलाने पर भी रोक। मुंबई में ड्रग डॉन बेबी पाटणकर केस में एक और गिरफ्तारी, आर्थर रोड जेल से एक कैदी गिरफ्तार। बेबी पाटणकर को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने 2 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से जुड़े अक्षय कुमार, मुंबई में गंदगी फैलाने वालों की क्लास लगाई। श्रुति हसन के साथ जुहू बीच पहुंचे अक्षय, करप्शन पर 1 मई को रिलीज हो रही अक्षय की फिल्म गब्बर इज बैक। मुंबई में गुजरात का इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर गिरफ्तार, महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। एक तरफा प्यार में महिला के साथ छेड़खानी का आरोप, महिला पर तेजाब डालने की धमकी दी थी। खबरें राज्यों से। फरीदाबाद में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की, जहर खाकर जान दी। मरने वालों में 2 बेटों और 1 की उम्र 5 साल और दूसरे की 9 महीने बेटी की मौत। सुसाइड करने की वजह का पता नहीं, फिलहाल जांच में पुलिस जुटी। यूपी में यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दे सकेंगे एलोपैथिक दवा, अखिलेश कैबिनेट का फैसला। यूपी में 4 नई तहसील बनाने को कैबिनेट की मंजूरी, आजमगढ़ मथुरा ललितपुर में तहसील होगी। झारखंड के धनबाद में चोरों ने बैंक लॉकर पर हाथ साफ किया, ले उड़े 1 करोड़ के जेवरात और नकदी। चोरों ने गैस कटर से काटे 10 लॉकर, गैस खत्म होने से बचे बाकी लॉकर, पुलिस कर रही तलाश। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका पहुंचे जापानी पीएम शिंजो एबे का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। औपचारिक स्वागत के बाद व्हाइट हाउस में मिले ओबामा और आबे, सुरक्षा और व्यापार है बातचीत का अहम मुद्दा। शिंजो आबे ने ओबामा के साथ किया डिनर, मिशेल ओबामा भी मौजूद रही। इंडोनेशिया में ड्रग दोषियों को मौत की सजा देने की तैयारी शुरू, गोली मार कर दी जाएगी मौत की सजा। इंडोनेशिया में 2 ऑस्ट्रेलियंस को मौत की सजा देने का विरोध, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। सिडनी में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे, कैनबरा में इंडोनेशिया दूतावास के बाहर 20 लोग हिरासत में लिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के खिलाफ जताया विरोध, जकार्ता से हटाएगा अपना राजदूत। अमेरिका के बाल्टीमोर में प्रदर्शन कर रहे लड़के की पिटाई, महिला ने सरेआम पीटा। खबरों के मुताबिक पिटाई करने वाली महिला ने अपने बेटे को पीटा, प्रदर्शन में शामिल होने पर नाराज थी। बाल्टीमोर में कई दिनों से जारी है हिंसक प्रदर्शन, मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी। हिंसा के बाद मैरीलैंड के गवर्नर ने राज्य में इमरजेंसी लगाई, हालात से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स को बुलाया। सना हवाई अड्डे पर सऊदी एयरफोर्स का हमला, कई जहाज तबाह। हमले में 99 बुरे तरीके से तबाह, ईरान के जहाजों को लैंड करने से रोकना मुख्य मकसद। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फौज के बीच युद्ध जारी और सैनिक भेजे गए। स्पेन में पानी के जहाज में आग लगी, 152 यात्रियों को बचाया गया, क्रू मेंबर्स के 3 सदस्य घायल। कलमाटी मुलाकात से 27 किलोमीटर दूर जहाज में लगी आग, दूर से उठता धुआं दिखा। यूक्रेन में खाली पड़े इलाके में भीषण आग लगी, करीब 20 किलोमीटर इलाका चपेट में आया। यूक्रेन के पीएम ने पिछले 2 दशक की सबसे भयानक आग बताया, फिलहाल काबू में हालात। बोस्निया में संदिग्ध आतंकी ने पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की, 1 पुलिस वाले की मौत, 2 घायल। हमलावर बंदूकधारी भी मारा गया, घटना के बाद जोवर्निक के पुलिस स्टेशन के पास सुरक्षा बढ़ाई गई। चीन के उइगुर प्रांत में चल रही है, चीन ने कहा नेपाल को मदद में भारत से कोई कंपटीशन नहीं, साथ काम करने के लिए तैयार। भूकंप का केंद्र गोरखा पहुंची भारतीय वायुसेना, घायलों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। गोरखा जिले में भूकंप से करीब 90% मकानों को नुकसान, हजारों को राहत पहुंचाने का है इंतजार। नेपाल के दूर दराज के शहर सिंधुपाल चौक में पहुंची सेना की टीम, करीब 1200 लोगों की मौत। सिंधुपाल चौक में 3 दिन बाद लोगों को मिल पाई मदद, छोटे बच्चे भूखे प्यासे नजर आए। काठमांडू में भारतीय सेना ने खोले 4 अस्पताल, भूकंप पीड़ितों का इलाज हो रहा है। एक अस्पताल में 20 मरीजों के भर्ती होने की सुविधा, ओपीडी में रोज देखे जा सकेंगे 200 मरीज। सेना ने काठमांडू में लोगों को खाना मुहैया कराया, टेंटों में लोगों को बांटे पैकेट। भारत ने नेपाल में अब तक 24 टन राहत सामग्री पहुंचाई, रक्षा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तूफान में हुई 22 की मौत। एवरेस्ट बेस कैंप से निकाले गए IAS रविंद्र कुमार नॉर्थ सिक्किम के ADM पद पर है तैनात। जयपुर के रहने वाले पर्वतारोही ब्रजमोहन शर्मा का पता चला, सेना ने घर पर फोन करके सुरक्षित होने की जानकारी दी। भूकंप के वक्त एवरेस्ट की चढ़ाई करने निकले थे ब्रजमोहन, फेसबुक पर दी सकुशल होने की जानकारी। दरभंगा के अस्पताल का भूकंप पीड़ितों के साथ असंवेदनशील रवैया, सिर पर टैग लगाकर लिखा भूकंप। मामला सामने आने पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने माफी मांगी, कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ा। यूपी सरकार ने फिर नेपाल भेजी राहत सामग्री, सामानों के साथ 28 ट्रकों को रवाना किया। अमेरिका ने नेपाल को और $90 लाख मदद दी, $10 लाख पहले देने का ऐलान किया था। काठमांडू में तैनात UN अधिकारी ने सुनाई आंखों देखी, कहा एक गांव के अस्पताल में 48 घंटे में पहुंचे 800 घायल लोग। चीन ने नेपाल में भेजी और रेस्क्यू टीम, $33 मिलियन की मदद।
तेज आंधी से यूपी में 21 लोगों की मौत, काफी संख्या में लोग घायल। बिहार में भी तेज आंधी और पानी ने ली 6 लोगों की जान, लखीसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 2 की मौत। यूपी के प्रतापगढ़ और एटा में 4-4 लोगों की जान गई, रायबरेली में 3 की मौत। अमेठी में 1 महिला और बच्ची की मौत, बारिश के दौरान बिजली गिरी। लखनऊ के पास कलंदर खेड़ा में बिजली गिरने से मां बेटी की मौत, घर का एक शख्स घायल। वाराणसी में गंगा नदी पर बना पीपे का पुल टूटा, रामनगर जाने वाले रास्ते बंद। रामनगर को जोड़ने वाला पुल अचानक टूटने से कई वाहन फंसे, लोगों को नाव से निकाला गया। बिहार जाएंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा, अनंत कुमार और राधा मोहन सिंह, तबाही का लेंगे जायजा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले से बिहार में, मोतिहारी में जायजा लिया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ विष्णुप्रयाग के पास बंद, बारिश बनी मुसीबत। लगातार मलबा गिरने से बीआरओ की बड़ी मुश्किलें, मार्ग खोलने में दिक्कत आ रही। मार्ग बंद होने से जोशीमठ में फंसे सैकड़ों यात्री, मौसम साफ होने का कर रहे हैं इंतजार। अब देश की आज की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले किसानों की हो रही है अनदेखी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मिशन मेक इन इंडिया पर साधा निशाना, कहा गरीब करता है मेक इन इंडिया। राहुल गांधी ने कहा हर जगह उठाऊंगा किसानों की आवाज, पंजाब दौरे पर राहुल ने किसानों से की मुलाकात। राहुल गांधी आज जाएंगे नागपुर, रात में नागपुर में रुकने का कार्यक्रम। गुरुवार की सुबह अमरावती का दौरा करेंगे राहुल, पदयात्रा के जरिए किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब के सरिंद के ढाबे पर रुका राहुल गांधी का काफिला, कार पर चढ़कर लोगों से बात की। राहुल ने दाल मखनी और मिस्सी रोटी का जायका लिया, खाने के बाद गुड़ भी जगा। राहुल गांधी ने खाने को 100 में से 100 नंबर दिए, पंजाब के खाने की तारीफ की। दिल्ली से सचखंड एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रवाना हुए थे राहुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ। ट्रेन में राहुल गांधी ने महिलाओं से बात की, एक लड़की को ऑटोग्राफ दिया। ट्रेन की बोगी में युवाओं से भी बात करते नजर आए राहुल, एक बच्चे को गोद में बिठाया। मोदी की विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हुई। धूल भरी आंधी की वजह से उइगुर के सभी स्कूल रहे बंद, मंगोलिया बॉर्डर पर सेना की टुकड़ी तैनात की गई। साउथ अफ्रीका में 2 ट्रेनों की टक्कर, ट्रेन के कंडक्टर की मौत, 250 यात्री घायल। ट्रेन और दीवार के बीच फंसी महिला, बहुत मुश्किल से बचाव दल ने बाहर निकाला। और अब खेल की खबर, आईपीएल में आज बैंगलोर और राजस्थान की टक्कर, रात 8 बजे बैंगलोर में मुकाबला। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है राजस्थान, बैंगलोर चौथे नंबर पर। चेन्नई ने कोलकाता को 2 रन से मात दी, बेहद रोमांचक मुकाबले में मैच जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने बनाए थे 134, 9 विकेट के नुकसान पर केकेआर बना 132 रन बना पाई। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जीवनी को भरोसा, जहीर खान अगले मुकाबले में खेल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब शुरुआत से उबरा बांग्लादेश, 4 विकेट में 236 रन बनाए। बांग्लादेश के मोमिनुल हक ने बनाया 80 रन, दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए। बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय पटेल की वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन से सदस्यता खत्म, श्रीनिवासन के करीबी हैं। संजय पटेल पर लगा वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, पटेल ने कहा फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अंशुमन गायकवाड़ ने कहा पटेल को 25 लाख खर्च की मंजूरी थी, दफ्तर ड्रेसिंग रूम पर खर्च किए 89 लाख। महिला टेनिस में सेरेना की नंबर 1 रैंकिंग बरकरार, शारापोवा 3रे नंबर पर खिसकी। पुरुषों के वर्ग में जोकोविच की बादशाहत बरकरार, फेडरर 2रे नंबर पर। खबरें बाजार की, महिंद्रा ने घटाया इलेक्ट्रॉनिक कार रेवा ईटीओ के दाम, अब 92,000 रुपए कम कीमत पर मिलेगी कार। साल की पहली तिमाही में एप्पल को $58 करोड़ का फायदा, मुनाफे का 2/3 हिस्सा सिर्फ आईफोन के जरिए आया। धन कुबेर को लिस्ट में मुकेश अंबानी फिर टॉप पर, दिलीप सांघवी को पीछे छोड़ा। रिलायंस पावर ने झारखंड के तिलैया प्रोजेक्ट से खुद को किया अलग, जमीन अधिग्रहण में देरी होने पर फैसला। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की, चीन में रिलीज होगी बॉलीवुड फिल्म पीके, फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने पुष्टि की। किताब की लॉन्चिंग पर पहुंचे थे हिरानी, कहा मई महीने में विधु विनोद चोपड़ा और आमिर जाएंगे चीन। किताब की लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद थे कई सितारे, नेपाल में हुए भूकंप त्रासदी पर प्रकट की संवेदना। एक्ट्रेस राधिका आप्टे के आपत्तिजनक वीडियो पर भड़के अनुराग कश्यप, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वॉशिंगटन फेस्टिवल में खलकी की फिल्म मार्गरिटा विद स्ट्रो की धूम, बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान मिला। फिल्म वजीर के बचे हुए सीन्स की शूटिंग पूरी करने में जुटे अमिताभ, सोशल साइट पर फैन को जानकारी दी। ऋषि कपूर ने दी बेटे रणबीर को बधाई, बॉम्बे वेलवेट में रणबीर के लुक की तारीफ की। रणबीर ने पहली बार कैटरीना से रिश्ते की बात कबूली, बोले फिलहाल शादी की योजना नहीं। फिल्म फोर्स 2 में जॉन के साथ काम नहीं कर रही कैटरीना, खबरों को अफवाह बताया। 19 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करेंगी मीनाक्षी शेषाद्री, घायल के रीमेक में नजर आ सकती है। सामने आई जज्बा की शूटिंग की तस्वीर, फिल्म से कमबैक कर रही हैं ऐश्वर्या। ट्विटर पर ट्विंकल खन्ना पर भड़के चेतन भगत, ट्विंकल ने एक फैन के कमेंट पर चेतन का उड़ाया मजा। अमेरिकन शो फैमिली गाइड का हिस्सा बनने से खुश अनिल कपूर, अमेरिका में कर रहे हैं शो की डबिंग।
ट्विटर पर तनु वेट्स मनु 2 का प्रचार कर रहे आर माथवन फैंस को दे रहे हैं फिल्म से जुड़े टास्क। एक्ट्रेस कायरा दत्त ने सनी लियोन को किया रिप्लेस, एकता कपूर की फिल्म में सनी की जगह करेंगे काम। फिल्म एवेंजर्स की सफलता से खुश निर्माता, जल्द ब्लूरे और डीवीडी लॉन्च करेंगे। किम कर्दाशियन ने सरोगेसी की मदद लेने की खबरों का किया खंडन, बोली अच्छे डॉक्टर्स। बैठक भूकंप के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर हो सकती चर्चा। जीएसटी बिल पर लोकसभा में अगले हफ्ते हो सकती है चर्चा, कांग्रेस कर रही है विरोध। पीएम के टोरंटो में दिए बयान पर राज्यसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित। मोदी ने कहा था स्कैम इंडिया की जगह बन रहा है स्किल इंडिया, विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की। राज्यसभा में आनंद शर्मा ने उठाया मुद्दा, पीएम मोदी पर विदेश में देश की छवि खराब करने का आरोप। कांग्रेसी सांसद वेल में पहुंचे, पीएम होश में आओ और पीएम जवाब दो के नारे लगाए। जेटली ने कहा विचित्र स्थिति, भ्रष्टाचार की चर्चा करना गुनाह पर भ्रष्टाचार करना गलत नहीं। जेटली ने कहा तकनीक का जमाना, आप कहीं चर्चा करें इंटरनेट और उपग्रह हर जगह पहुंचाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्ष पर चुटकी, सरकार 60 साल के सभी घोटालों पर चर्चा को तैयार। फाइव स्टार होटल्स में रह रहे सांसदों को जल्द छोड़ना होगा होटल, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। सरकार के मुताबिक जिन सांसदों के पास आवास है वो होटल में नहीं ठहर सकते। होटल खाली नहीं करने पर बढ़ सकती है सांसदों की मुसीबत, अपनी जेब से देना पड़ेगा किराया। दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला, आज सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर जुटेंगे कार्यकर्ता। जितेंद्र तोमर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता, तोमर पर फर्जी डिग्री का आरोप। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री, हाईकोर्ट में बिहार की यूनिवर्सिटी ने बताया गलत सर्टिफिकेट। प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, कहा अगर कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है तो उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। दिल्ली के कानून मंत्री ने मामले को बताया साजिश, कहा वक्त आने पर कोर्ट को सब कुछ दिखा दूंगा। जितेंद्र तोमर ने दी सफाई, कहा अलग अलग रोल नंबर कोट करके यूनिवर्सिटी से पूछा गया है। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कानून मंत्री तोमर का इस्तीफा मांगा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह के खिलाफ केस दर्ज, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। तिलक नगर में एमसीडी के जेई ने दर्ज कराई एफआईआर, एक बिल्डिंग को गिराने पहुंचे जेई के साथ कहासुनी हुई थी। बेंगलुरु में आज योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण करेंगे स्वराज संवाद बैठक, समर्थकों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार, कोलकाता नगर की 144 सीटों में से 114 सीटों पर कब्जा। ममता की आंधी में उड़े बीजेपी की उम्मीदें, राज्य की 91 नगर निकायों में 69 पर टीएमसी का कब्जा। जीत का रुझान मिलते ही सड़क पर निकले टीएमसी कार्यकर्ता, कोलकाता की सड़कों पर जश्न मनाया गया। टीएमसी पर बरसे अधीर रंजन चौधरी, कहा जीत के लिए हिंसा का सहारा लिया। बीजेपी और लेफ्ट को ममता की चेतावनी, कहा 30 अप्रैल को बंगाल में नहीं होने देंगे बंद। सीआई के नेशनल समिट को आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घानी की बैठक, भारत ने रक्षा सेक्टर में सहयोग की पेशकश की। अशरफ घानी का राष्ट्रपति भवन में किया गया जोरदार स्वागत, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी ने अगवानी। शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अशरफ घानी को सम्मान में दिया भोज, पीएम मोदी समेत तमाम नेता शामिल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अफगान राष्ट्रपति से मिले, अफगानिस्तान की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। एनआरआई को वोटिंग अधिकार देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार बुलाएगी सर्वदलीय बैठक, कानून मंत्री का बयान। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की, कहा उनके वैज्ञानिक मिजाज से प्रेरणा ली युवा। 1 मई से ताजमहल के सभी गेटों की होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग, IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग संभव। अब मेट्रो की खबर। मुंबई में मॉडल रेप केस के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगा क्राइम ब्रांच, रिमांड बढ़ाने की मांग। रेप केस के 8 आरोपियों की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी, रेप के बाद पैसे छीनने का आरोप। मुंबई में एक और मॉडल से रेप की कोशिश, एक निर्देशक पर लगाया छेड़खानी और मारपीट का आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार, सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश तेज। महाराष्ट्र में बीफ बैन के खिलाफ दायर। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, इंडिया टीवी पर सबसे तेज न्यूज शो। 20 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 200 खबरें। नेपाल में भूकंप से अब तक करीब 5,500 लोगों की मौत, 11,000 से ज्यादा घायल। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचने की आशंका, पीएम सुशील कोइराला का बयान। नेपाल में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, पीएम ने कहा लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता। नेपाल के डिप्टी पीएम ने कहा देश को फिर संवारने के लिए बड़ी मदद की जरूरत, देश को मोदी से उम्मीदें। भारत में अमेरिकी राजदूत ने की भारतीय मुहिम की तारीफ, कहा यमन के बाद नेपाल में दिखाई नेतृत्व क्षमता। नेपाल में भूकंप से 80 लाख लोग प्रभावित, 50,000 गर्भवती महिलाओं की भी मुसीबत पड़ी। भूकंप के बाद बारिश ने बढ़ाई नेपाल के लोगों की मुश्किल, सताने लगा है महामारी का डर। भूकंप ने बदला काठमांडू का भूगोल, अपनी धुरी से 10 फीट दक्षिण खिसका। भूकंप के कारण 79 लाख टन TNT ऊर्जा निकली, हिरोशिमा एटमी धमाके से 504 गुना ताकतवर। भारत का भी एक हिस्सा 1 से 10 फीट उत्तर की तरफ खिसका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक का दावा। नेपाल से लौटे एक शख्स ने सुनाई त्रासदी की आंखों देखी तस्वीर, करीब 20,000 मौतों का दावा। मध्य प्रदेश के रहने वाले सूरज पांडे पहुंचे मऊ, बेटी के घर पहुंचने पर रिश्तेदारों के जान में जान आई।
काठमांडू में फंसा सीतापुर का परिवार सही सलामत घर लौटा, बर्बादी का आंखों देखा हाल सुनाया। तबाही का मंजर याद कर कांप जाती है परिवार के रूह, घंटों भूखे प्यासे रहे परिवार के लोग। नेपाल से लौटे कई लोग खौफ में, काठमांडू से आई रश्मि राज नहीं भूल पा रही त्रासदी। बिहार के जहानाबाद के रहने वाले 11 लोग लापता, काठमांडू के पास फर्नीचर बनाने का काम करते थे। नेपाल में भूकंप के हरियाणा के भी 4 लोगों की मौत हुई, सीएम खट्टर ने पुष्टि की। नेपाल से घायलों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, एम्बुलेंस से एम्स रवाना। नेपाल में भूकंप में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू जारी, देर रात प्राइवेट फ्लाइट से कई यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। भारत ने नेपाल से 15 देश के 170 लोगों को निकाला, सबसे ज्यादा स्पेन के 71 लोग शामिल। एनडीआरएफ ने 6 और टीम को नेपाल भेजा, अब नेपाल में कुल 16 टीम। इंडिया टीम ने अब तक 11 लोगों को जिंदा निकाला, मलबे से 73 शव बरामद। एनडीआरएफ टीम के चीफ ओपी सिंह बोले, नेपाल सेना के सहयोग से ऑपरेशन चल रहा है, सर्वे भी कर रही टीम। वायुसेना का विमान फिर नेपाल पहुंचा, जरूरी सामान के साथ सेना के जवानों को पहुंचाया गया। एयरफोर्स का N-32 विमान पोखरा पहुंचा, विमान में 2 टन खाने और पीने का सामान मौजूद। नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे सड़क पर उतरे, रेस्क्यू के काम का जायजा लिया। लोगों को वापस लाने के लिए काठमांडू पहुंची यूपी की बसें, लौट रहे लोगों से भी मिले रंजीत रे। नेपाल में शनिवार को आए भूकंप के वक्त की तस्वीरें आई सामने, काठमांडू में चल रहा था रियलिटी शो का शूट। हंसी मजाक के मूड में नजर आ रही थी पूरी टीम, अचानक तबाही के मंजर से माहौल बदल गया, चारों तरफ सुनाई देने लगी लोगों की चीख पुकार, कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर। प्रैंकर्स की टीम ने शूट किया 18 मिनट का वीडियो, नेट पर 25 अप्रैल को किया अपलोड। तिब्बत में भूकंप के बाद सामने आई तबाही की तस्वीर, पहाड़ों से गुबार उठा। भूकंप के झटके के बाद टूटकर गिरने लगे पत्थर, कई इमारतों को नुकसान। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए, करीब 40 सेकंड तक धरती हिलती रही। भूकंप से तिब्बत में 25 लोगों के मरने की खबर, ज्यादातर इलाकों में तबाही का मंजर। नेपाल में भूकंप के बाद बुरे हालात, सड़क किनारे चल रहा है कांतिपुर न्यूज चैनल। टेंट के अंदर बना स्टूडियो और न्यूज रूम, बारिश की परवाह के बगैर चल रहा है लाइव बुलेटिन। गाड़ियों और शोर शराबे के बीच न्यूज पढ़ते हैं एंकर, बिल्डिंग में दरार आने के बाद सड़क पर शिफ्ट हुआ चैनल। त्रासदी के बीच न्यूज चैनल के कर्मचारियों ने दिखाया जज्बा, हर खबर को लोगों तक पहुंचाना समझते हैं जिम्मेदारी। काठमांडू में भारत और चीन की टीम का साझा रेस्क्यू, 6 मंजिला इमारत का मलबा हटाने में जुटे। मलबे के अंदर सभी कई लोगों के फंसी होने की आशंका, लाइफ डिटेक्टर मशीन से लोगों का पता लगाने की।